का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज चैप्टर, जो कि नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर है। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18, इफ 3 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यू देन न्यू एवरेज विल बी। मतलब कह रहा है कि 20 वैल्यूज का आपको एवरेज 18 दिया हुआ है। मतलब कि हिंदी माध्यम वालों के लिए सपोज के लिए कि 20 संख्या का औसत आपको 18 दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि अगर सभी संख्या में से 3 घटाया जा रहा है तो नया एवरेज क्या होगा। तो आपको 20 वैल्यूज का 20 संख्या का एवरेज 18 दिया गया है, तो पहले आप क्या करोगे कि 20 संख्या का पहले आपको सम निकालना है। क्या करना है? सम। सम निकालने के लिए मल्टीप्लाई होता है, जितना एवरेज है और जितना वैल्यूज है उसमें मल्टीप्लाई होता है, तो आपका आएगा 360। और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि मल्टीप्लाई क्यों होता है, जिसमें मैंने एवरेज में कमेंट बॉक्स में आपके पूछे गए सवाल के जवाब में मैंने बताया था। अब ये हो गया 360। अब बोल रहा है कि सब में से 3 घटाया जाए, तो संख्या कितने है 20, अब सभी में से 3 घटाया जाएगा तो टोटल कितना घटाया जाएगा 60 घटाया जाएगा। यानी सभी संख्या में से अगर 3 घटाया जा रहा है, कुछ भी 20 संख्या है 3 घटाया जा रहा है तो मतलब 60 घटाया जा रहा है। तो उन सभी संख्या का सम 360 है, अब 60 घटा दिया गया तो नया एवरेज कितना होगा। तो 60 360 में से अगर हम लोग 60 घटा देते हैं, यानी अब जो सभी 20 20 संख्या का जो अब सम आएगा नया सम वो 300 हो जाएगा। पहले कितना सम था 360, तब एवरेज कितना था 18, अब 300 सम हो जा रहा है तो तब एवरेज कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 300 सम हो गया, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, और टोटल संख्या कितने हैं 20, उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज फाइंड हो जाएगा 2 से 15 जब, यानी जो न्यू एवरेज होगा वो 15 होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। The average of 4 numbers is 7 if the sum of first 3 numbers is 20, find the fourth number. मतलब कि 4 संख्याओं का आपको एवरेज 7 दिया गया है, अगर 3 संख्याओं का सम 20 है तो चौथा नंबर फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ये जानेंगे सम ऑफ 4 नंबर्स, मतलब कि सभी 4 संख्याओं का सम कितना है। यहाँ से फाइंड करेंगे 7 × 4, यानी आपका आ जाएगा 28, यानी सभी 4 संख्याओं का सम 28 है। अब 3 संख्या का सम कितना है 20, 3 संख्या का सम दे दिया गया है 20 है, तो हम लोग 4 संख्या कैसे निकालेंगे, 28 − 20, यानी जो 4 संख्या होगा वो 8 होगा, 4 संख्या 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब आज के लिए यही दो एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, ऐसे ही मिलता हूँ आपसे अगले किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगा हो तो सब्सक्राइब मत करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।